गुड। चलिए तो होमवर्क के लिए क्या कुछ दिया हुआ था तुम लोगों को? सर डीपीपी 5। डीपीपी नंबर 5। ओके चलिए देख लेते हैं डीपीपी नंबर 5 का आंसर की। डीपीपी नंबर 5 आंसर की ऑफ डीपीपी नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा? सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ओके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया? सर सेकंड का मेरा बी आया। थर्ड बी। ऑप्शन नंबर बी। ओके थर्ड का आंसर क्या आया? थर्ड सर ए। का आंसर आएगा सी। फोर्थ का आंसर क्या आया? फोर्थ सर बी। सर सी। आएगा बी। फिफ्थ का आंसर क्या आया? फिफ्थ सर बी। आ जाएगा बी। ओके नेक्स्ट सिक्स का आंसर क्या आया? ए। ए। सिक्स आ जाएगा ए। ओके सेवन का आंसर क्या आएगा? सी। सी। ओके सेवन के बाद एट का आंसर क्या आया? डी। एट का आंसर आएगा सी। नाइन का आंसर क्या आएगा? डी। सर डी। ओके टेन नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सर 10th का मुझे समझना है। 36 एट द पावर 6 सॉरी एट द पावर 4 टू द पावर 6 एंड सी टू द पावर 3 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 108 ओके ये आ सर। जाएगी। ये हो जाएंगे अपने आंसर। ओके यस सर। चलिए हो गया आंसर की नोट डाउन। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है सबको? यस। चलिए बताइए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया सबसे सबने कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस सर। ओके नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस सर। थर्ड थर्ड पूछना है सर मेरा आंसर गलत आया। ओके थर्ड नंबर क्वेश्चन जल्दी से बोलो। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलो फटाफट क्या है क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है जल्दी बताओ। सर रूट रूट टू इनटू रूट थ्री। रूट टू इनटू रूट थ्री। और ये दोनों भी अंडर रूट के अंदर ही है ओके ठीक सर बस यही है। ओके तो इसका बताना क्या है सिंप्लीफिकेशन बताना है क्या इसका? नो सर वी हैव टू मल्टीप्लाई। ओके तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा अभी? रूट टू इंटू रूट थ्री ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स हो जाएगा अभी क्योंकि अपने को अच्छे से पता है कि इधर रूट टू इंटू रूट थ्री दैट मीन्स ये हो जाएगा टू टू द पावर वन बाय टू इंटू थ्री टू द पावर वन बाय टू। पावर साथ सेम दैट मीन्स हो जाएगा टू इंटू थ्री टू द पावर वन बाय टू दैट मीन्स हो जाएगा सिक्स टू द पावर वन बाय टू एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके नाउ अब अगर इसको पावर की फॉर्म में लिखना है तो ये सिक्स की पावर का मतलब क्या हुआ? ये स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स का स्क्वायर रूट गिवन है स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर क्या हो जाएगा बेटा? वन बाय टू हो जाएगा। यस सर। ओके नेक्स्ट फिर से ये स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिक्स टू द पावर वन बाय टू ये हो गया रूट सिक्स एंड टू द होल पावर वन बाय टू ये हो गया होल पावर वन बाय टू। और ये अपने को अच्छे से पता है कि a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m टू एम n दैट मींस ये हो जाएगा 6 टू द पावर 1 वन अपॉन फोर। बाय 2 इनटू 1 बाय 2 दैट इज 1 बाय 4 इधर का है क्या? यस सर। ओके तुमने शायद ये कर दिया होगा रूट टू इंटू रूट थ्री सीधा 6 लिख दिया होगा और 6 का स्क्वायर रूट कर दिया होगा नहीं?
ये मिस्टेक की है क्या? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। सर आई एम हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर यस सर। एंड सर क्वेश्चन नंबर सिक्स आल्सो। क्वेश्चन नंबर फोर सर x is equals to 3 plus under root 8 y is equals to 3 minus under root 8 then 1 upon x square plus 1 upon y square प्लस 1/y² का वैल्यू बताना है। ये बताना है? यस सर। ओके बेटा जी चलिए तो देखते हैं भाई इसमें क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में x और y का वैल्यू गिवन है, x और y का वैल्यू गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x² प्लस 1/y². ओके देखिए भाई x अपने पास गिवन है x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √8 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ओके ये गिवन है अपने पास। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं 1/x जो है ये क्या हो जाएगा इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये x है और ये कंप्लीट नंबर है तो 1/x जो है इस पूरे कंप्लीट नंबर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/x = 1/3 + √8 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके अब इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूंगा डिनोमिनेटर को अपन क्या करते हैं इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो जैसे ही डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे दैट इज 3 - √8 इज डिवाइडेड बाय 3 - √8 इज दैट क्लियर? यस सर। ओके 1 × 3 - √8 दैट इज इक्वल्स टू 3 - √8 एंड इन डिवाइड 3 + √8 and 3 - √8 that is a + b × a - b equals to a + b equal हो जाएगा किसके a² - b² ये एक well known identity अपनी। okay तो ये हो जाएगा 3 का square and -√8 का square। is that clear? That means the value of 1/x is equals to 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1/x is equals to 3 - √8 is divided by 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 - √8। क्लियर हुआ यहां तक सबको? यस सर। तो यहाँ पे 1/x का वैल्यू अपने पास कितना आ गया बेटा 1/x का वैल्यू आ गया अपने पास 3 - √8 आ गया। क्लियर है वाली बात? यस सर। दैट मींस 1/x का वैल्यू है 3 - √8। अब अपन क्या कर दे इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग। जैसे यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ये 1/x का स्क्वायर हो जाएगा बेटा और ये हो जाएगा 3 - √8 का स्क्वायर। क्लियर है वाली बात? यस और नो? यस सर। ओके ये हो जाएगा 1/x 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² = ये हो गया अपना a - b² किसके इक्वल आएगा बेटा a² - 2ab लिख लो पहले वाली एंड प्लस b² इज दैट क्लियर? यस सर। ओके बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 बी स्क्वायर का टर्म लिख रहा हूं मैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बेटा। यस सर। माइनस 2 इट ट्वाइस ऑफ a × b a यहां पे कितना है 3 और ये कितना है √8 तो 3 × √8 ये 3 √8 हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 √8 हो जाएगा बेटा। यस सर। ओके चलिए भाई तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास 1/x² का जो वैल्यू है वो फाइनली हो जाएगा 9 + 8 कितना हुआ 17 एंड -6 √8 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आ गया 1/x² का वैल्यू आ गया बेटा।
यस सर. ओके अब अपन बात कर लेंगे सिमिलर सिमिलर वन अपॉन वाई किसके इक्वल आ जाएगा भाई वाई का वैल्यू अपना कितना गिवन था 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 गिवन था बेटा तो इसका मतलब 1 अपॉन वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 8 और इसको भी अपन क्या करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओके दैट मींस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 is divided by ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर a plus b a minus b square root of 8 का स्क्वायर and that is equals to 3 plus root 8 क्योंकि हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 minus square root of 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 तो 9 minus 8 कितना होगा 1 अब चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्लियर है वाली बात यस सर यस सर ओके अब यहां पे अपन क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये 1 upon y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा किसके 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ओके इस बार क्या बन रहा है यहाँ पे तो बन रहा था a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ओके इसमें सब कुछ प्लस 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 हो जाएगा क्लियर है वाली बात यस ओके तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 8 इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा 1 upon x square plus 1 upon y square equal हो जाएगा किसके ये हो जाएगा 17 minus 6 square root of 8 and plus ये हो जाएगा 17 plus 6 square root of 8 तो 6 square root of 8 plus ये minus cancel out हो गया 17 plus 17 and that is equals to 34 हो गया बेटा ये यस सर सर एक क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 करा दीजिए मेरे सॉरी 9 एंड 10 क्वेश्चन नंबर 10 आल्सो यस सर क्वेश्चन नंबर 10 No, sir. Question number 8. Yes, sir. Okay, चलिए भाई. Next question number 8 की बात कर लेते हैं अपन. Question number 8. Okay, 8th number question में क्या given है बेटा? Question number 8. बोलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर द रेशनल फॉर्म ऑफ 2.7352 एंड यस देयर इज अ बार ऑन 352 द रेशनल फॉर्म ऑफ 2.7352 2.7352 ओके एंड बार ऑन 352 बार ऑन 352 ये गिवन है यस सर ओके दैट मींस अपने पास में एक्स का जो इज अ बार ऑन 7 आल्सो नो लेट मी चेक चेक करो बेटा डिसाइड करो पहले क्या सही है क्या गलत है
क्वेश्चन कंफर्म करो पहले। यस सर, 352 पे ही बार है। ओके लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 8। ओके ऐसा दिख रहा है कि बार जो है वो ओनली 352 पे ही है ना, ऐसा दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये अपने पास में ये जो भी नंबर गिवन है इस नंबर को अपने एज्यूम कर लिया, लेट इट बी x। तो x हो जाएगा 2.7352 352 352 352। ये तो गिवन है बेटा। यस सर। ओके तो इसको अपन क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंप्लीट इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, द नंबर 2 सॉरी 10 10 यस सर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 27.352 352 352 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? ओके यस सर। अपने को बेसिकली करना क्या होता है, दो इक्वेशन बनानी रहती है, दो इक्वेशन बनाएंगे अपन और उन दोनों इक्वेशन में क्या होना चाहिए, पॉइंट के बाद वाला जो भी रिमेनिंग पोर्शन है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाना चाहिए, डेसिमल के बाद वाला पार्ट सेम हो जाना चाहिए, उनका डिफरेंस लेंगे तो वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो जाना चाहिए। तो डेसिमल में कुछ रिमेनिंग नहीं रहेगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। ओके चलिए भाई, तो अब मैं इसको, ये जो भी नंबर है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 7352, इसके जस्ट बाद ये 352 352 फिर से क्रिएट हो जाएगा बेटा। दैट मींस मैं इस इक्वेशन को अब किससे मल्टीप्लाई करूं, 10,000 से, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। एक्स तो ये कितना हो जाएगा, 27.352.352352352 एंड सो ऑन। Is that clear? ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। Is that clear? Yes sir. Okay बेटा, उसके बाद एक सेकंड बेटा, बीकानेर में मौसम कैसा है बेटा? यस सर। बीकानेर में बारिश वारिश हो रही है, नहीं हो रही? सर मौसम तो बारिश मौसम हो नहीं रही सर, कल रात को हुई थी मेरे घर के बाहर। अच्छा तुम्हारे घर के बाहर हुई और कहीं पे नहीं हुई? हमारे सर होगी तो पूरे एरिया में होगी ना। सर स्पेशल हुई थी मेरे घर के बाहर हुई सर कल बारिश। सर अभी आंधी आ रही है। सुबह से ऐसे चल रहा है, कभी आंधी कभी बारिश, अभी लाइट और चली गई है ना। चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला देख रहा है सब ठीक कर देगा। नहीं यस सर। ओके तो ये हो गया अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 एंड ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपन, द इक्वेशन नंबर 2 एंड माइनस द इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई। तो देखिए जरा, 10000 x इज इक्वल टू 27352 माइनस 352352 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास कितना भाई, 27.352352 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं अपन, हो जाएगा माइनस माइनस, हो जाएगा 10,000 माइनस 10 कितना हो जाएगा भाई, 9,990 हो जाएगा। यस सर। इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास कितना, डेसिमल के बाद वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो जाएगा 12 माइनस 7 दैट इज 5, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2, 3 7 2। That means the value of x is 27325 is divided by 9990.
9 0. देख लो अगर यहाँ से ये आगे और सिंपलीफाई हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो ये आंसर हो जाएगा. ओके यस सर. सर मैंने 10,000 की जगह 1,000 कंसीडर कर लिया था. ओके 1,000 कंसीडर करने पे कैसे होगा बेटा? अगर 1,000 कंसीडर करेंगे तो 1,000 के केस में तो क्या होगा यहाँ पे? 1,000 के केस में तो बस यही हो पाएगा, इसके बाद पॉइंट आ जाएगा तो 2352. तो फिर वो तो रिपीटेशन सेम नहीं होगा, मतलब डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है वो सेम नहीं होंगे, तो डिफरेंस होगा तो फिर तो डिफरेंस चला जाएगा, फिर तो डेसिमल भी आ जाएगा फिर से. नो सर, मैंने पता है क्या किया, मैंने कंसीडर तो 1,000 किया लेकिन मैंने इक्वेशन 10,000 की लिखी. मतलब कंसीडर तो 10,000 किया था लेकिन इक्वेशन 1,000 की लिखी, ऐसा बोलते हैं? यस सर. यस ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी. कैलकुलेशन का ध्यान रखा करो भाई, फास्ट कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगी, पहले अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उन पे ध्यान दो, है ना, मतलब एकदम सटीक कैलकुलेशन करनी है अपने को हमेशा, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? Yes, नहीं तो फिर वो क्या है कि कैलकुलेशन मिस्टेक की अपनी एक आदत बन जाएगी, तो कंपटीशन लेवल पे अगर तुम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो फिर वो कैसे चलेगा? अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, सारी चीजें होती है, फिर उसके बाद पता चला कि अरे यार ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत करती है, तो उस टाइम पे बहुत बड़ा दुख होता है अपने को, है ना? ये चीज सर 8th क्लास में मेरी बेसिकली मैथ्स में हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक ही मिलती है. बस तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, आई वाज नॉट एबल टू सबमिट दिस जीपीपी सो कैन आई सबमिट दिस? ओके बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बाद में सबमिट कर देना, लेकिन जीपीपी जो भी तुम्हें होमवर्क मिले वो तुम्हारा किया होना चाहिए, वो चाहे तुम कभी भी करो, बेटर तो ये रहेगा कि जिस दिन मिला उसी दिन करो, ठीक है ना? यस सर. सर एक्चुअली ये रहता है कि सर आज थोड़ा ज्यादा होमवर्क था स्कूल का और क्लासेस लेट ओवर हुई थी तो इसलिए सर हो नहीं पाया था. ओके इट्स ओके, इसलिए ऐसा करूंगा मैं डीपीपी जो है वो आज इवनिंग में सेंड कर दूंगा ताकि तुम्हें और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, है ना? यस सर. ओके सर. हां पहले सबमिट. ओके ओके सर. उसके अलावा 8 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया था, 10 बता दीजिए. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं. चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना था शायद बेटा. चलिए क्या दिया हुआ 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सर 27 मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर 3 b टू द पावर 2 एंड c टू द पावर 4. ओके and multiplied by cube root of 128 multiplied by a to the power 7 b to the power 9. Yes sir. And के बाद next दूसरी quantity क्या given अपने पास? Sir cube root of 128. Okay, cube root of 128 multiplied by a to the power 7 b to the power 9 and c to the power 2. ये क्यूब रूट के अंदर ही है क्या? यस सर पूरा. ओके सर बी टू द पावर 9 एंड सी टू द पावर 2. सर इससे पहले जो ये 27 ए क्यूब बी स्क्वायर और सी टू द पावर 4 है ये भी पूरा रूट के अंदर ही है. यस सर. नो सर 27 भी है. सर 27 भी है. ओके ये ऐसा कुछ भी बनाइए तो. Yes, sir. And sir, given है और ये cube root में given है, ऐसा ही तो? Yes, sir. And sir, एक और quantity है. Okay, and? And sir, एक और square root है, उसके अंदर 729 multiplied by ab to the power 12 and c to the power 2. Sir, ये 6 to the power 12. Yes, sir. Okay. And c to the power 2. C to the power 2. Okay. Sir, this is 6th root. And sir, 6th root. 6th root. Okay. Okay. Ye question dekh lo ek baar ke liye fir se. Yes.
ओके चलिए, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि इन तीनों नंबर्स को अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेट इट बी, इसको इस वाले नंबर को अपने बोल दिया समथिंग, एक्स है ये नंबर अपना, कुछ वाई है और ये नंबर अपना कुछ भी जेड है, क्लियर है वाली बात। ओके तो अब अपन बात करेंगे यहाँ पे क्या कि अपने को वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव टू फाइंड एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये तो फाइंड आउट करना बेटा। ये 27 लिखा है, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर कितना लिख सकता हूँ बेटा, 3 टू द पावर 3, 3 ओके, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर और ये हो जाएगा अपने पास 3, ओके, तो 3 टू द पावर और इसका स्क्वायर रूट गिवन है अपने पास, यस और नो, यस, यहाँ पे अपने पास में क्या गिवन है, इसका स्क्वायर रूट गिवन, तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो भी अपने पास स्क्वायर रूट गिवन है, जो भी अपने पास स्क्वायर रूट गिवन है, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी गिवन है उसकी पावर कितनी हो जाएगी सर, 1/2, पावर 1/2, दैट मींस एक्स हो जाएगा अपना 27 को लिख दिया अपन ने 3 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 8 टू द पावर 3, बी टू द पावर 2 एंड सी टू द पावर 4, टू द होल पावर 1/2, मतलब पावर क्या हो जाएगा 1/2, ओके, तो ये क्या हो जाएगा भी अपना, ये बन जाएगा 3 टू द पावर 3 बाय 2 है ना, 8 टू द पावर 3 बाय 2 एंड ये हो जाएगा b टू द पावर कितना 1, 2 इनटू 1 बाय 2 सर, 3 टू का सर 3 पावर, यस सर, ठीक है ठीक है, ओके बेटा ये देखो ना, ये 3 टू द पावर 3 टू द पावर 1 बाय 2, तो ये मल्टीप्लाई होंगी तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 बाय 2 हो जाएगा, क्लियर हुआ ये, पावर 1, 2 इंटू 1 बाई 2, 4 इंटू 1 बाई 2, पावर 2, ये हो गया अपना C का सिंपलेस्ट फॉर्म बेटा, C टू द पावर 4 टू द पावर 1 बाई 2 कर रहे हैं, दैट मीन C टू द पावर 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 2, 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, दैट मीन हो जाएगा C स्क्वायर, इज दैट क्लियर, यस सर, ओके चलिए इसको हटा देते हैं। अब उसके बाद देखिए जरा y की वैल्यू चेक कर लेते हैं भाई साहब, y में यहाँ पे कौन सा रूट दिया हुआ है, क्यूब रूट, थर्ड रूट, ओके, 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 टू द पावर अगर लिखना हो तो कितना लिख सकता हूँ मैं, दैट इज 2 टू द पावर 7, 7, ओके, ये हो जाएगा 8 टू द पावर कितना 7, b टू द पावर 9 एंड सी टू द पावर 2, टू द होल पावर यहाँ पे क्यूब रूट 1/3, ओके, दैट मींस ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7 बाय 2, सॉरी 7 बाय 3 है ना, ओके, नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा भाई, 8 टू द पावर 7 बाय 3, ओके, b टू द पावर सर 1 सर 3 3 ये हो जाएगा 9 इनटू 1 बाय 3, ओके, c टू द पावर 2/3, 2/3, ओके, नेक्स्ट जेड की बात कर लेते हैं भाई साहब, जेड यहाँ पे लिखा हुआ 729, 729 क्या हो गया 27 का स्क्वायर हो गया, दैट मींस ये हो जाएगा 3 टू द पावर 6, यस सर, 729 हुआ अपना 27 का स्क्वायर, दैट मींस 27 को 3 टू द पावर 3 टू द होल पावर 2, दैट मींस ये हो जाएगा 3 टू द पावर 6, पावर कितना 12, बी टू द पावर 12 एंड सी टू द पावर 2, तो होल पावर ये कितना हो जाएगा बेटा 1/6, क्लियर हुआ ये अच्छे से, यस सर, यस सर, दैट मींस अभी कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 6 और 1/6 3 हो जाएगा, यस सर, यस सर, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 8 टू द पावर 12 इनटू ये करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, यस सर, यस सर, और c टू द पावर 1/3 हो जाएगा, यस सर, ओके, चलिए भाई अच्छी बात है, अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या बनना है भाई साहब, कैसे कैसे बनना है, तो देखिए जरा ये कॉन्स्टेंट है, इनको अलग रख लें, कॉन्स्टेंट बन रहा है x y z, जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा है 3 टू द पावर 3 बाय 2, ओके अच्छी बात है, 2 टू द पावर 7 बाय 3, ये लीजिए भाई साहब 2 टू द पावर 7 बाय 3,
और ये लिखा है 3 टू द पावर कितना, 3 टू पावर 1। अब लिख रहे हैं अपन a, a की पावर जो है वो सारी की सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी बेटा। यस यस सर, ऐसे में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और यहां पे ये 3 जो है इसकी पावर भी ऐड करके लिख दे। यस सर, 3 की पावर यहां पे 3 बाय 2 है, मल्टीप्लाई होंगी तो 3 की जो भी पावर आ रही है वो ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर यहां पे कितना है 1 है। ओके 1। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर कितना भाई, 7 बाय 3। ओके नेक्स्ट 8 टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा, 8 टू द पावर 3 बाय 2 प्लस 7 बाय 3 प्लस 7 बाय 3 प्लस 2 प्लस 2। ओके अच्छी बात है। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, b टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 2। ओके यस सर। नेक्स्ट यहां पे कितना हो जाएगा भाई, c c टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस द 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 3। इज दैट क्लियर? यस यस सर। ओके चलिए भाई, अब ये जो लिखा है 2 टू द पावर 7 बाय 2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 7 जो है, ये जो अपना 2 की पावर 7 है, इसका ये कौन से वाले रूट की बात कर रहा है, ये इसका रूट की बात कर रहा है। अरे बेटा 7 बाय 2 रूट, उसका रूट की बात कर रहा है। दैट मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 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 2, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. वो 2 टू द पावर 7 अपॉन 3 है। अच्छा 7 अपॉन 3 है क्या? ओके ओके कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। ओके तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास, क्यूब रूट की बात कर रहा है बेटा ये, और क्यूब रूट में से कोई क्वांटिटी बाहर कब आती है बेटा, जब 3-3 के पेयर बनते हैं। Yes, sir. तो यहाँ से कितना 2 बार आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 बार आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 into 2 मतलब 4 बार आ जाएगा, और 2 का क्या रह जाएगा, 2 पे क्यूब रूट रह जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलिए अच्छी बात है ये तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भैया, और यहाँ पे ये जो 3 बाय 2 है, 3 बाय 2 में भी 3 बार आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट में 3 रह जाएगा। Yes, sir. Okay, तो चलिए यहाँ पे एक बार के लिए मैं इस 3 को भी सीधे सीधे मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक तो ये वाला हुआ 3, यहाँ से आ गया 4। ओके और यहाँ से 1 टाइम आ जाएगा 3। देखिए जरा 3 की पावर 3 बाय 2 है, दैट मींस 3 की पावर 3 का मतलब ये हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो है 3 की पावर 3 बाय 2। यस सर। यस तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं ना बेटा। यस सर। यस सर। ओके तो ये वाला 3, ये 3 और यहाँ से 4, 3 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया, 36 हो गया बेटा। यस सर। ओके यस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ सर 2। क्यूब रूट ऑफ 2, ये a की पावर कितना हो जाएगा, ये देखो भाई यहाँ पे इनका एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा, 6। यस सर। और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 सर। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है बेटा, एकदम क्लियर ही तो है। यस सर, अब क्लियर रही है। ओके देखिए बेटा जी, यहाँ पे अपने पास में ए की पावर ये ओवरऑल कितना हो रहा है, एलसीएम लेकर किसको सॉल्व करके देखो ये क्या बन रहा है सर, एलसीएम yes, एलसीएम कितना आ रहा है, 6। ओके तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा, 14। तो 9 प्लस 14 yes. कितना हुआ सर, 18। नहीं बेटा तुम लोगों ने 23। बेटा तुम लोगों ने क्वेश्चन में कुछ झोल लिखवाया, पक्का क्वेश्चन सही नहीं लिख पाया तुम लोगों ने, है ना? तो क्वेश्चन तो सही लिखवाया है। नहीं लिखवाया। क्वेश्चन अगर सही लिखवाया होता तो फिर सी की पावर 3, ये सी की पावर एकदम करेक्ट आ रहा है, बी की पावर 6 भी एकदम सही आ रहा है, ए की पावर में कुछ लोचा आ रहा है, तो ए यहाँ पे ए क्यूब ही है क्या? Yes, yes, sir. 8 to the power 7 ही है क्या यहाँ पे? Yes, sir.
और a b टू द पावर 12 भी है क्या? यस सर। नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ लिख पाया बेटा तुम लोगों ने, एक सेकंड चेक करने दो मुझे। बेटा कैसे बच्चे हो तुम लोग? बेटा ये a इंटू b टू द पावर होल पावर 12 थोड़ी ना है, a इंटू b टू द पावर 12 है, दैट मींस a की पावर यहाँ पे कितना है? अगर ab टू द पावर 12 होता ना तो वो बेटा ऐसे लिखा रहता। अब ये ab की पावर होल पावर 12 है, ठीक है ना? अदरवाइज अगर ऐसा लिखा है ना ab टू द पावर 12, दैट मींस ये जो पावर है ये ओनली इस b पे पावर है। ओके okay?